ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में मुफ्त सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकार की नौकरी नहीं और वोट डालने नहीं दिया जाएगा। एक ही कानून में दो साल में पॉपुलेशन अनबैलेंस रुक जाएगा। और चौथा, ताकत प्राप्त करके हम भारत का संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। और संविधान बदलकर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मुसलमान को नहीं आने देंगे। वी वॉन्ट टू डिफेंड अवर कंट्री। हमें कोई मानवता, क्या सऊदी अरेबिया में हिंदू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन सकता है, पाकिस्तान में बन सकता है, उनको शर्म नहीं आ रही है तो हमको ब्लॉक करने में शर्म क्यों आ रही है? वी विल ब्लॉक देम। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मानी पीएम, सीएम, मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। आपका बाकी नागरिक राइट रहेगा, यू कैन लीव, खाओ पियो, आप पर अत्याचार नहीं होगा, पर यू विल नॉट बी एबल टू रूल दिस कंट्री बिकॉज वी हैव ए थ्रेट फ्रॉम यू। मुझे लग रहा है कि देश में हिंदू खतरे में है और आगे आने वाले समय में हमारे अस्तित्व के लिए खतरा होने वाला है। तब रक्षा कौन करेगा? सरकार। तो सरकार कौन चलाएगा? हिंदू चलाता होगा तो होगा। जम्मू कश्मीर में जब तक महाराजा हरि सिंह का शासन था तब भी वहाँ 70% मुसलमान थे, एक भी हिंदू पर हमला नहीं हुआ। उनका कि शासन आपका है तो आपकी रक्षा होगी, इसलिए भारत के संविधान में सुधार करके संविधानिक पद पर हिंदू के अलावा कोई न रहे, वह कानूनी परिवर्तन हमें करना ही होगा। तो इसको सरकार से बात करेंगे, संविधान की बेसिक थीम हम करेंगे सर, इससे संविधान की बेसिक थीम तो सबका साथ सबका विकास जैसा मोदी जी का नारा भी है, ये तो कहीं फिर छूटता जा रहा है, ये नहीं लग रहा ऐसा? संविधान लोगों की रक्षा के लिए है जी, और जब लोगों पर खतरा है जी तो संविधान में 100 बार सुधार किया है। बिल्कुल। अब अगला सुधार डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया करवाएगा। नहीं, कैसे करवाएगा? हम जनशक्ति खड़ी करके हम मतदानीय ताकत खड़ी करेंगे और मतदानी ताकत से भारत के सभी राजनीतिक दलों को हिंदू हितों के लिए काम करने के लिए मजबूर करेंगे। हम भारत में एक प्रो हिंदू दल नहीं, हम भारत के सभी राजनीतिक दलों के हिंदूकरण की ओर जा रहे हैं और उसका आधार होगा मतदाता। हम करोड़ों मतदार जैसे राम मंदिर आंदोलन के दौरान शुरू किए, तैयार किए, ऐसे ही कर रहे हैं। सर, बात पे बलफूल बराबरी, आपने कहा कि बलफूल बराबरी चर्चा का विषय बना रहा, क्या मानते हैं? सरकारी जमीन पर कब्जा करने का किसी को राइट ही नहीं, खाली करवाना ही चाहिए। और गैरकायदे से कब्जा करने वाले को विकल्प कहाँ का? आज समय देना है, समझ दे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो रिव्यू पिटीशन दाखिल करो भाई, सुप्रीम कोर्ट के कोई ओपिनियन के बाद भी रिव्यू पिटीशन होती है, करो और खाली कराओ। और सिर्फ मुसलमान है इसलिए प्रोटेक्ट करना, हिंदू होते तो क्या करते, एक दिन नहीं रहने देते। नहीं, इसमें हिंदू भी बहुत सारे हैं क्योंकि काठगोदाम तक जो वसासत है, शायद आपको जानकारी में नहीं। मेरी जानकारी मैंने कितने परसेंटेज सब जानकारी ले ली है जी। हिंदू को खाली करने पड़ेगा तो उसको मदद करने के लिए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आ जाएगा।